नासिक की कृषि उपज मंडी में किसान अपने टमाटर बेचने पहुंचे। मंडी में टमाटर की बोली 1 रुपए प्रति किलो लगी। कई किसान मंडी में बेचने के बजाय टमाटर वहीं सड़क पर फेंक कर चले गए। 1 महीने की बात की विडंबना देखिए। किसानों से 1 रुपए किलो टमाटर खरीदने की खबर लिखने वाले न्यूज रूम के एक साथी कल बाजार में 110 रुपए किलो टमाटर खरीद कर लाए। सब्जी वाले ने उन्हें 10 रुपए डिस्काउंट देने का एहसान भी जता दिया। कहा जा रहा है कि टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल मानसून और बारिश की वजह से आया है। इस मौसम में टमाटरों की कीमतें हर साल बढ़ती हैं। आइए जानते हैं कि टमाटर को अचानक से हो क्या गया और कैसे इसकी कीमत आसमान छूने लगी। टमाटर की कीमतों में उछाल की वजह जानने के लिए टमाटर की पैदावार को समझना जरूरी है। भारत में टमाटर की 2 फसलें उगाई जाती हैं, एक रबी के सीजन में यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी की बुआई के सीजन में और दूसरी खरीफ यानी कि अप्रैल और मई की बुआई। इस सीजन में टमाटर की जो फसल लगभग है वो 3 महीने में तैयार हो जाती है और 45 दिनों तक इसे तोड़ने का काम चलता रहता है। पहले हम बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। रबी की जो फसल होती है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के जुन्नार तालुका, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है। इन इलाकों में 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में लगाए टमाटर की फसल की सप्लाई मार्च से लेकर के अगस्त तक होती है। अब बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की जो फसल होती है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के नासिक और देश के अन्य हिस्सों में उगाई जाती है। 8 से 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में लगाए गए टमाटर की फसल की सप्लाई देश भर के बाजारों में अगस्त के बाद से होती है। टमाटर की मौजूदा महंगाई की सबसे बड़ी वजह भारी बारिश है। टमाटर जल्द ही खराब हो जाने वाली सब्जी है और इसी वजह से इसकी जो निरंतर सप्लाई है वो बहुत ही जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक, तेलंगाना समेत दक्षिणी राज्यों के साथ कुछ पहाड़ी राज्यों में भी बहुत ही भारी बारिश हुई है और इसी वजह से टमाटर की जो फसल है उसको नुकसान पहुंच चुका है और सप्लाई में बाधा आ गई है। वहीं इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरी वजह की, तो दूसरी वजह यह है कि पिछले 2 सालों से नुकसान झेल रहे किसानों ने इस बार टमाटर की बुआई कम कर दी है। वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव अनिल मल्होत्रा ने कहा कि 2020 और 2021 में टमाटर की बम्पर फसल हुई और कम कीमत की वजह से किसानों को अपनी उपज डंप करनी पड़ी और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार टमाटर का उत्पादन आधा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टमाटर की कीमतें कब तक घटेंगी। टमाटर की कीमतें सस्ती होने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई बढ़ जाए। हालांकि जल्द सप्लाई बढ़ने की उम्मीद नहीं है। खरीफ सीजन में बोई जाने वाले टमाटर की सप्लाई जुलाई लास्ट और अगस्त तक होगी। कर्नाटक जैसे राज्यों से नई खेप आने से टमाटर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और इससे दाम भी कम हो जाएंगे। नई फसल को बाजार में आने में 20 से 25 दिन लगेंगे और इसके बाद कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। दोस्तों, क्या आप भी अचानक से टमाटर की बढ़ी कीमतों से परेशान हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।